गुड इवनिंग स्टूडेंट, नाउ वी कंटिन्यू विद सम प्रॉब्लम ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस। ओके, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है आप लोगों को? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पता है आप लोगों को? आई विल गिव यू द फार्मूला। नाउ देयर इज सम क्वेश्चन, क्वेश्चंस है यहां पर, क्या है देखो लिखते हैं। Questions. इस पर स्पीड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन के आखिर 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 375 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी ट्रेन का लेंथ कितना है 375 मीटर, लॉन्ग ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब पता है सबको, मतलब जब वो चलना स्टार्ट करेगी किसी स्पीड से तो उसका स्पीड किसी भी स्टैंड में कम नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, कोई एकदम स्पीड से चलता रहेगा, मतलब यहाँ ट्रेन एक्सेलरेट नहीं करेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड थ्रू आउट द जर्नी विल बी कॉन्स्टेंट, throughout the journey speed will be constant, clear? So speed is 370, ठीक है? एक uniform speed से चल रहा है और एक pole को pass कर रहा है, ठीक है? कितना time passes? passes a pole, passes a pole in 25 second, in 25 second, यानी pole को 25 second को pass कर रही है, ठीक है? तो फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, नंबर वन फाइंड इट स्पीड, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसका उसका स्पीड निकालना किलोमीटर पर आवर, एक नंबर। सेकंड नंबर बोल रहा है फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, फाइंड द टाइम it would take to cross a platform, platforms ठीक है 150 meter long, देखो क्या बनाना है, मतलब आप लोग ये क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन है लेंथ दिया 375 मीटर लंबा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो एक पोल को पास कर रही है, अब पोल को पास करने में उसको 25 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हमें निकालना है कि उसका ट्रेन का स्पीड कितना है किलोमीटर पर, नंबर वन। दूसरा उसको एक 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये आपको फाइंड इट आउट, पहले ट्राई करो, अगर दिक्कत होगी आई हेल्प यू, मैंने ट्राई करो। देखिए हमको सबसे पहले तो निकालना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे देखो, देखो ट्रेन लंबा है, देखो ट्रेन है, ये पोल है, देखो ना ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, ये पोल है, तो ट्रेन क्या करेगी, पोल को क्रॉस करेगी, अब मानो ये ट्रेन है, अगर पोल को क्रॉस करेगी तो यहाँ तक क्रॉस करेगी, तो यानी कि पोल को क्रॉस करने के लिए विष्णु, पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को, पोल को क्रॉस करने के लिए अपना लेंथ कवर करना पड़ेगा ना, और अपना लेंथ उसका 375 मीटर, यानी कि पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब 20 सेकंड में केवल वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, length of the train and the time will be 25 meters. So what will be the speed of train? Speed of train? आप 25 ले रहे हैं, 225 के यहाँ 15 लिखा हुआ है. Equal to देखो क्या है? 375 divided by 20. अच्छा देखो ये मीटर पर सेकंड आएगा पर, क्योंकि मीटर में है और ये सेकंड में है. तो we will solve it. 25 है ऊपर. I'm sorry. This is 25. So we will solve it. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 5 7 35 5 हो गया, अब हमारा 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा 50, यानी कि हो गया 50 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। अब हमको निकालना है किसमें, देखो किलोमीटर पर आवर में, तो देयरफॉर स्पीड
इन किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, देखो इसको हमको क्या करना है, 15 किलोमीटर पर आवर के लिए 85 हाइट चाहिए, 85 हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया किलोमीटर पर आवर, अब 5 से 3 टाइम्स 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा 54 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब हमको सेकंड में देखो बोल रहा है ट्रेन को कवर करना 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पर आ गया प्लेटफॉर्म, तो अब देखो अब हम समझ जाए ये हमारा ट्रेन है और ये लंबा प्लेटफॉर्म है, अब जब ट्रेन आएगी यहाँ पर तो सुनो ट्रेन तो एक तो मान लो ट्रेन अपना लेंथ कवर करेगी, यहाँ तक आई तो अपना लेंथ कवर किया यहाँ तक, और ऊपर से फिर प्लेटफॉर्म को कवर करना है यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म कवर होगी, चलिए टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया, तो अपना लेंथ और एक तो प्लेटफॉर्म, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मुझे पता चल रहा है अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, समझ गया उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, आई नो द स्पीड, आई नो द स्पीड, वी कैन फाइंड द टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वी विल फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, देखो देखो इधर कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ हो जाएगा 375 प्लस 150 ऐड करो यहाँ 5 सर 525 525 क्या मीटर मीटर, ठीक है क्लियर, यानी कि हमको इसको करना है किलोमीटर में कन्वर्ट, ठीक है किलोमीटर में, तो वी विल फाइंड इट 525 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में कन्वर्ट यानी कि 0.55, ये डिस्टेंस उसको कवर करना है, नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन, अब उसको इसमें कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड जाना कितना है, इतना जाना है यानी कि 0.525 इतना किलोमीटर जाना है, इस स्पीड से जाना है भाई, इस स्पीड से जाना है यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर, कहां से निकल रहा है, अब इसे सॉल्व करना ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा, ये किससे क्या ये हो जाएगा किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ आर बच गया, आर बच गया ना, अब हमको इसे कैंसिल करना है, ठीक है देखो कितने टाइम में कैंसिल होगा, 3 से हो जाएगा 35 फिर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे कितना हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई कर दू तो देखो कितना हो जाएगा 175 by 18,000 × 3600 सेकेंड, अब डायरेक्ट आ जाएगा ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा 18 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 18 + 36 हो गया 8 2 से 5 टाइम में इधर कैंसिल हो गया 10 और 5 से 30 यानी कि उसको 35 सेकंड का टाइम लगेगा ट्रेन, देखो कैलकुलेशन समझ में आ गया ट्रेन को कितना टाइम लगा 35 सेकंड का, यानी कि 35 सेकंड में ट्रेन क्या कर रही है अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस कर रही है, समझ में आ गया विष्णु, आप लोग समझ में आया, शाम को करना बेटरमी बोल ले आपका मैच कर गया, अच्छा मैच कर गया सर, मैं 4-5 बार लगता फिर मैच ठीक है, मैच कर मेरा मैच कर मेरा, ओके नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अगला, मिटा उसको कर रहे हो छापता है समझता नहीं है सर, समझ गया क्या हिसाब लिखा तो समझ में आ गया, तो बस को बनाना है और क्या,
ठीक है ना, कम द पॉइंट इन द डेटा आ जाएगा इसका। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर टू देखो। अजीत वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अजीत वॉक्स एट द स्पीड ऑफ किस स्पीड से चल रहा है देखो। वॉक ऐसा नहीं कर रहा, चेंज हो चेंज। वॉक एट द स्पीड ऑफ, अजीत वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो गलतना किस स्पीड से चल रहा है ना। अजीत वॉक्स एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वॉक कर रहा है। एंड रन्स एट स्पीड ऑफ, एंड रन्स एट स्पीड ऑफ, माने चलता है स्पीड से है, और अगर वो दौड़ रहा है तो किस स्पीड से दौड़ रहा है 20 किलोमीटर बराबर, ये स्पीड से दौड़ता है और स्पीड से वो चलता है। क्लियर। तो अब यहां पर बता रहे ही कवर 10 किलोमीटर 37.5 मीटर। ही कवर, ही कवर कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर इन कितना समय लगा 10 किलोमीटर में 37.5 मिनट, यानी कितना टाइम लग रहा है उनको डिस्टेंस कवर करने में 10 किलोमीटर। पार्सली रनिंग एंड पार्सली वॉकिंग, पार्सली रनिंग एंड पार्सली वॉकिंग मतलब यानी कि कुछ दूर तक दौड़ता है और कुछ दूर तक चलता है, यानी मिला जुला के उसको इतना टाइम लग गया 10 किलोमीटर कवर करने में। अब कह रहा है कि फाइंड टाइम ही स्पेंड, कितना टाइम लगाया, फाइंड टाइम ही स्पेंड कितना टाइम लगाया, ठीक है। टाइम एक नंबर, एंड डिस्टेंस ही कवर्ड बाय वॉकिंग, एंड डिस्टेंस ही कवर्ड बाय वॉकिंग। कैसे है स्पेंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, सुनिएगा। अजीत इस स्पीड से चलता है और अगर दौड़ता है तो इस स्पीड से वो दौड़ सकता है, क्लियर। वो उसने टोटल 10 किलोमीटर कवर किया, और वो जब 10 किलोमीटर कवर किया खाली चल के नहीं किया, थोड़ा दूर चला थोड़ा दूर दौड़ा, ऐसे करके उसने 10 किलोमीटर कवर किया और उसे टोटल टाइम लग गया 37.5 मिनट, ठीक है। थोड़ा चल के थोड़ा दौड़ के कवर करने में 10 किलोमीटर उसको 37.5 मिनट लग गया। तो आपको बताना है कि उसने फाइनल टाइम स्पेंड, कितना टाइम उसने स्पेंड किया और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया जब वो चल के जा रहा था, ठीक है, चल के जा रहे थे, क्लियर। ये हमारा डिस्टेंस चल गया, हाँ भाई बताना है कि फाइंड द टाइम ही स्पेंड एंड डिस्टेंस ही कवर्ड बाय वॉकिंग। जब वो चल के जा रहा है तो उसने कितना समय लगाया, चल के जाने में उसने कितना समय लगाया और दौड़ के जाने में उसने कितना समय लगाया। टोटल 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, कुछ दूर तक चल के गया कुछ दूर तक दौड़ के गया, तो जो चल के गया उसने उतने कितना समय लगाया और जो दौड़ के गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकाल सर। मतलब 10 किलोमीटर में चल के जितना कवर किया, बोलिए। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या लेना, हमको तो ये पता नहीं है, हमको तो ये नहीं पता कि कितना दूर चल के गया कितना दूर दौड़ के गया, तो हम लेट कर लेंगे, ठीक है। हम ये लेट कर, तो हम लोग ये लेट कर लेंगे कितना दूर चल के गया कितना दूर दौड़ के गया। तो लेट लेट ही कवर, यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दे दिया, मतलब यहाँ सॉल्यूशन, ही कवर्ड x किलोमीटर बाय वॉकिंग एंड देखो क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, x किलोमीटर जब वो चल के गया तो 10
10 माइनस एक्स किलोमीटर दौड़ के गया एंड 10 माइनस एक्स किलोमीटर बाय रनिंग बेटा साइकिल का भी बैठ जाएगा। समझ में आ गया? इतना वो जब वो चल के गया तो इतना वो दौड़ के गया ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये देखना है हमको कि वो चल के गया उसने कितना टाइम लगाया, ठीक है। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर एक्स किलोमीटर, हमें पता है कि एक्स किलोमीटर कवर किया उसमें उसने कितना समय लगाया तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या गया उसने एक्स किलोमीटर, किस स्पीड से गया वो, वो चल के गया ना वो टू कवर एक्स किलोमीटर बाय वॉक करके गया, तो वॉक करके कितना जाएगा किलोमीटर, तो 15 यहां लिखना पड़ेगा 15 किलोमीटर पर, ठीक है। अब हम हमारा किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो x by 15 r, यानी ये टाइम लगा उसको चल के जाने में। अब हम देखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर देखिए इधर टू कवर कितना कवर हो रहा है, टू कवर 10 माइनस एक्स किलोमीटर कितना किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना गया 10 माइनस एक्स, बट ये जो कवर किया वो दौड़ के किया तो दौड़ के कवर करने में कितना स्पीड है उसका, कितना स्पीड है अभी हम ही बोलेंगे, दौड़ के कवर करने में हाँ 20, तो 20 ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हमारा माइनस एक्स बाय 15। अब हमको क्या लिखना है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो देखें कितना टाइम दिया गया टोटल टाइम टेकन एक्स बाय 15 प्लस 10 माइनस एक्स बाय 20। अच्छा बताओ टोटल टाइम कितना लगा, कितना है ये वाला, ये टाइम है और ये वाला टाइम मिला के कितना टाइम लगा 37.5 मिनट, तो 37.5 मिनट है तो पॉइंट को हटा देंगे तो 10 लगा देंगे और मिनट को आर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आर में है 60। अब हमको बस सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 60 हो जाएगा, तो 15 फोर 60 ये 4x हो गया, अब यहाँ 3 टाइम्स में कर देगा तो यहाँ 30 हो जाएगा माइनस 3x। इसको देखो इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या मिल रहा है 375 बाय 10 इनटू 60। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर में 4x माइनस 3x मिल रहा है x प्लस ये 30 बाय 60 इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 60 कैंसिल आउट, हम 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 10x हो गया इधर प्लस 300 इक्वल टू 375 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 375 यस माइनस यहां 300 हो गया, ये देखो 10x हमारा क्या मिल गया 75 मिल गया, तो यहां पर x क्या चाहिए x इक्वल टू 75 बाय 10 सर ये हमको पता है नीचे ठीक है, यानी कि 7.5 यानी कि वो जो आपका चल रहा है ना x किलोमीटर कवर किया ठीक है, तो x किलोमीटर को कवर किया वो जो चल के किया, चल के कितना किया 7.5 यानी कि चल के वो कितना डिस्टेंस कवर किया 7.5, पर वो बोल रहा है कि जब वो दौड़ रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अच्छा चल के जाने में उसने कितना टाइम लगाया वो भी हमको निकालना है, तो हम ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं क्योंकि फाइंड करना है, बोलिए हमको ये पता है नीचे नीचे कट जाता है जैसे 100 अपने 60 का 100 का वो कट जाता है ऐसा काहे करता है, क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि आखिर ये आप सीधा जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हां तो दैट विल बी ऑल्सो कैंसिल, तो यहां पर हमारा अब देखिए अब हमने क्या बोला था यहां पर हमने बोला था कि वो जो
चल के गया उसमें कितना टाइम लगा, तो यहाँ टाइम देखे चल के जाने में कितना का x किलोमीटर चल के गया कितना टाइम लगा x पर 50, तो टाइम टेकन, टाइम टेकन देखो x का वैल्यू क्या है 7.5 यहाँ भी डाल दो बाय कितना है 15 है ना, तो यानी कि जो ये टाइम मिलेगा आपका ये जो 7.5 है ये है कितना किलोमीटर है 7.5 किलोमीटर है ना इतना है और ये आपका स्पीड था ना किलोमीटर पर आवर, तो ये तो आपका जो मिलेगा इस किलोमीटर किलोमीटर करके आवर में मिलेगा ना, तो ये हटा दो यहाँ 10 डाल दो 55 का 75 यानी कि 5 2 10 हो गया यानी कि कितना मिलेगा 1/2 आवर मिलेगा, तो 1/2 आवर मतलब कितना मिनट हो गया 60 कर दो 30 मिनट यानी कि उसको 30 मिनट किसमें लगा 30 मिनट उसको लग गया चलो 60 हां 60 बोला एक्चुअली ये जो टाइम है तो आवर में है ना पर ये आपको दिया हुआ है मिनट में तो आवर को इन मिनट में कैसे एकदम तो टाइम मिनट में दिया था तो आवर को मिनट से कैसे इक्वेट करेंगे दैट इज व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दैट इन आवर तो आपका हो गया। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, अब हमको बताओ कि दौड़ के कितना कवर किया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस 10 था जिसमें चल के वो कितना गया 7.5, तो दौड़ के कितना जाएगा 2.5 सर पर तुमने एक सवाल था क्लियर सर मिनट में था तो उसको कवर करने के लिए 60 इनटू रन देखना नहीं नहीं मिनट में ना आपने कन्वर्ट करना है डिवाइड करना है मिनट टू आवर यू हैव टू डिवाइड 8 मिनट मिनट का टाइम क्लियर ओके बात समझ में आ गई जी समझ में आ गई ठीक है हम बना लेंगे एक एक व्हाइट पॉइंट क्लियर करो ठीक है बना लिए मिल भी गया ओके स्टूडेंट थैंक यू सो मच थैंक यू सर